आज हम हिंदी विषय में चौथी कविता हॉकी खेलती हुई लड़कियाँ। हॉकी खेलती हुई लड़कियाँ इस कविता का जो भावार्थ है, स्पष्टीकरण है, ये हमने पिछले भागों में पढ़ा है। आज हम उसकी स्वाध्याय कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम फिर से कविता का कवयित्री का परिचय सुनेंगे। इसकी कवयित्री है कात्यायनी। कात्यायनी हिंदी साहित्य की जानी मानी कवयित्री है। उनका जन्म 7 मई 1959 को हुआ। उन्होंने MA फिल तक शिक्षण ग्रहण की है। उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन किया है। उन्होंने लगभग 7 वर्षों तक नव भारत टाइम्स और स्वतंत्र भारत की संवाददाता के रूप में भी काम किया है। इनकी अधिकांश कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। कुछ कविताएं अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती अनुदिन और प्रकाशित हुई है। चेहरे पर आज, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू, नवी नई कविता, दुर्ग द्वारा पर दस्तक, श्री प्रश्न विषयक संकलन है, षड्यंत्र, मृतात्माओं के बीच सांप्रदायिक, फांसीवाद, बुद्धिजीवी प्रश्न और साहित्य की सामाजिक भूमिका पर केंद्रित निबंधों का संकलन है। कुछ जीवन, कुछ ज्वलंत समाज, संस्कृति और साहित्य पर केंद्रित निबंधों का संकलन है। प्रेम परंपरा और विद्रोह शोधापूर्वक निबंध प्रकाशित यहाँ पे हुआ है। समकालीन भारतीय स्त्रीय कविताओं के पेयुंगिन द्वारा प्रकाशित की गई इन देयर ऑन बॉयज में इनकी कविताएं शामिल हैं। वे क्रांतिकारी, वामपंथी राजनीतिक से अनुप्रमाणित सामाजिक सक्रियता, सांस्कृतिक मोर्चे एवं नारी मोर्चों के साथ साथ मजदूर मोर्चे पर भी सक्रिय है। संप्रति स्वतंत्र लेखन जारी है। कविता का सार। हॉकी खेलती हुई लड़कियां कात्यायनी जी की एक महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता उस स्त्री का भी अनुभव संवेदन है जो स्वतंत्र नहीं है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि अपने घर प्राय अकेले दुख सहने वाली लड़कियों की सामूहिकता का यह बड़ा जीवंत चित्र। दुख ऐसा जहां हो जो अकेलापन की भी दूसरे अकेलेपन से जुड़कर सामूहिक हो जाता है। सपने भी व्यक्तिगत नहीं रहते। एक दूसरे को चूमती उल्लासित आपसदारी गोल करने से कम महत्वपूर्ण नहीं रहती। लड़कियां रात के सपने में ही नहीं, दिन के उजाले में भी हॉकी खेलती है। हरी घास पर हंसती हुई तैरती है। घास पर तैरना पूरी तरह खुलकर खेलना है। शुक्रवार का दिन बताता है कि ऐसा रोज नहीं होता। अपनी गलतियों पर हंसने वाला क्षण हमेशा नहीं आता, लेकिन आते जरूर है। जब आते हैं तो उन्हें फाउल खेलने के रोक नहीं सकते। वे खुलते और खेलते हैं, गोल नहीं कर पाती। दिन ढल जाता है, खेल समाप्त घोषित कर दिया जाता है। यह वर्तमान है, कविता इसका अल्ट्रासाउंड करती है। इसके गर्भ में पलता भविष्य देखती देखती है। समाप्त होने पर भी खेल का समाप्त न होता होना यही है। ऐसे में रेफरी की सीटी एक औपचारिकता भर है। रात को सपने में खेल आगे बढ़ता है, गोल के सामूहिक उल्लास तक पहुंचता है। गलतियों से गोल तक की यह यात्रा जारी है। कदम छोटे हैं, रुकावटें भी ऐसी आती हैं। एक दिन पूरी ही धरती नाप देंगे, यह तय है। इसीलिए कि लड़कियों ने स्टिक पकड़ी भर भर नहीं है, स्टिक उनके हाथों में संधि हुई है। सामूहिकता और स्वतंत्रता के सपने का उल्लास वास्तविक दुनिया में उतर आया है। सक्रियता के मजबूत पकड़ बनकर यह पकड़ इस तरह से मजबूत हुई है कि गोल पोस्ट के बारे में भ्रम पैदा करने वाला किसी तरह का चश्मा उनकी आंखों पर नहीं है।
ऐसे में कोई रुकावट अगर मार्गदर्शन का भेस भरकर आ जाए तो पहचान जाती है। इसका लघु उत्तर प्रश्न हम देखेंगे। आगे उनका लघु उत्तर प्रश्न दिया है। प्रश्न एक, हॉकी खेलती हुई लड़कियां कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कात्यायनी जी द्वारा कविता हॉकी खेलती हुई लड़कियों की शुरुआत इस तरह होती है कि आज शुक्रवार का दिन है और इस शहर में जो भी लड़कियां हैं वो लड़कियां खेल रही है हॉकी, खुश है लड़कियां फिलहाल। तो शुक्रवार का दिन और फिलहाल से ध्वनित होता है कि लड़कियों की खुशी फिलहाल तक ही है, जब तक कि यह खेल चल रहा है और शायद शुक्र है कि खेल है, भले ही सिर्फ उतनी देर तक के लिए भी क्यों ना हो, उनको खेलने के लिए एक मौका तो मिला है। सही, जब तक वह खेल रहे हैं तब तक चूल्हे की आंच और मसून की धमक से दूर खेलते रहे हैं वो संभव है, क्योंकि लड़कियां मतलब सिर्फ चूल और बच्चे मतलब चूल्हे तक ही उनका सीमित होता है, लेकिन ये लड़कियां वो सब छोड़ के बहुत आगे आकर वो खेल रही है। इनकी कृतज्ञता को ध्वनित करते हुए उन्होंने कहा है कि खेल का दिन शुक्रवार चुना गया है, शुक्र अदा करने का दिन, लेकिन खेल में व्यस्त लड़कियों की उन्मुख स्वच्छंदता की पृष्ठभूमि निरंतर एक नकारात्मक दबाव की तरह उपस्थित है, पितृसत्ता के नाम पर में सिकोड़ते पैरते वहाँ इंतजार कर रहे हैं, उन्हें देखने का हुए वर पक्ष के लिए वहाँ अम्मा बैठी राह तकती है कि बेटियाँ आए तो संतोषी माँ की कथा सुनाए और वे अपने व्रत तोड़े। प्रश्न दूसरा है, हॉकी खेलती लड़कियाँ कविता में भी श्री अस्मिता की दृक्षा पर प्रकाश डालिए। वह बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दफ्तर से लौटकर पकौड़िया और चाय की, वह भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से जहाँ खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे रोज की तरह, लेकिन नई श्री अपने निपट गवार की गवार रह जाने की नियत को स्वीकार करके बैठ जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है और न पितृसत्ता के लिए वह लाचार और हितोषी है, पर विश्वास कर लेने के लिए तत्पर है। वह स्वयं अपने आयास प्रयास से पितृसत्ता की लाचारी और असहायता का इलाज कर देगी। श्री पक्ष से अपने इंसान होने का दावा भी उसे अपने हक पर नाहक हमला प्रतीत होता है और वह उलट कर हमला करती है। श्री के अस्तित्व में सबसे अधिक असुरक्षित और निष्कवच है उसका चरित्र, जिसे निराधार हनन का पात्र बनाया जाता है, क्योंकि इसके आधार की स्थिति पुरुष के दुर्बल और कातर अहम के बीच मौजूद है। पितृसत्ता के लिए वह श्रीयोचित आचरण है। कात्यायनी की कविता के औरत की उस कोशिश से उबरना और सोचने की शुरुआत करना एक नई शुरुआत है। नई श्री यहाँ से शुरू होती है और पितृसत्ता की समय भी यहाँ से शुरू होती है। प्रश्न तीसरा है, हॉकी खेलती हुई लड़कियां कविता में विही श्री को आत्मविकास का अपने को स्पष्ट करना है। प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया गया है कि कात्यायनी की व्यक्तिगत विशेषताओं के रेखांकित किए हुए अपने सांस्कृतिक संदर्भों की उपज है, लेकिन संस्कृति निष्क्रिय और जड़ सत्ता के अर्थ में शाश्वत ही नहीं है। आगे वो कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध और परिवर्तन का आह्वान भी एक सांस्कृतिक कर्म है। पितृसत्ता संस्कृति के अनन्य मूलक सांचों में गणित परिवार और समाज के विधान वर्जनाएं अवमाननाएं प्रहार अपने हिंसक और नकारात्मक दबाव से काम करते हैं। कात्यायनी की राजनीतिक प्रतिबद्धता और सामाजिक कर्मयोग उनकी अस्मिता मूलक संघर्ष से मुक्त की जिस परिणति तक जाता है वह तनिक भिन्न प्रतीक होता है। यह कात्यायनी की वैचारिक प्रतिश्रुति है कि वे
प्राय अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति को वस्तुमान बोध करती है और यथार्थ ही यथार्थवादी मुहावरों की हदों के भीतर बनाए रखकर ही कविता के श्री की मुक्ति के निष्कर्ष में बढ़ा जाता है। चौथा प्रश्न है, हॉकी खेलती लड़कियां कविता में पितृसत्ता के विपक्ष में श्री के स्वत्व के पक्ष को स्पष्ट कीजिए। कात्यायनी के द्वारा हॉकी खेलती लड़कियां कविता में पितृसत्ता के पैंतरों को जो बनागी दी जा चुकी है, उनका खेल के दृष्टिकोण पर गिद्ध की तरह मंडराते हुए क्रमशः विकास होता है और यह दृश्य पर एक टिप्पणिया की तरह मूड विभिन्न छवियों में लड़कियां प्रकट होती है। पितृसत्ता, घर परिवार, मोहल्ला, वर पक्ष वगैरह प्रतीक्षार्थता है। और इधर लड़कियां है कि हॉकी खेल रही हैं, वहां सब घात लगाए बैठे हैं और वे हंस रहे हैं कि यह जिंदगी नहीं है। इन बात से निश्चित है लड़कियां और बिना रुके भाग रही है एक छोर से दूसरे छोर तक। वहां गर्जन तर्जन का आकाश फट पड़ने को है और लड़कियां है कि निर्द्वंद्व निश्चित है। आखिर खेल खत्म होगा और स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से लिपटने को तैयारी करती लड़कियां लौटेगी घर। और आगे कविता अपने दिखाई है कि घर लौटी हुई जो लड़की है, जैसे कि वो जंग से ही लौट के आई हो इस तरह से लग रही है। ये जो भी प्रश्न हमने हॉकी खेलती हुई लड़कियां इसमें पढ़ा है, इसमें हमने कविता का परिचय सुना, उसका सार सुना और इसमें हमने हॉकी खेलती हुई लड़कियों का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। दोन, हॉकी खेलती हुई लड़कियों में भी ही श्री अस्मिता को रक्षा पर प्रकाश डालिए। तीन, हॉकी खेलती हुई लड़कियां कविता में भी ही श्री के आत्मविकास को स्पष्ट कीजिए। यह हमने तीन प्रश्न का यहाँ पे अभ्यास किया है। और चौथा प्रश्न, हॉकी खेलती लड़कियां कविता में भी पितृसत्ता के विपक्ष में श्री के स्वत्व के पक्ष को स्पष्ट किया है। आप इस चारों प्रश्न अच्छे से इसका स्टडी कीजिए, ये पढ़िए सुनिए और अपने हिंदी के कापी में इसके प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसका जो आगे का पांचवा प्रश्न है वह हम अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।